राजेश मेहतानी से और इनसे भेंट करेंगे पृथ्वीराज चौहान। तो आइए सुनते हैं सूचना का अधिकार। कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं आरटीआई एक्ट के बारे में कि आरटीआई क्या है और कैसे आप उसका उपयोग कर सकते हैं और कैसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकते हैं। आज आरटीआई के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राजेश मेहतानी जी, जो स्टेट रिसोर्स पर्सन फॉर आरटीआई है और यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं। राजेश जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजेश जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ये जो आरटीआई एक्ट है, ये किस तरह से आम पब्लिक के लिए उपयोगी है? देखिए, ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू है। इस अधिनियम को लाने के कुछ मुख्य उद्देश्य थे, जैसे कि नागरिकों के जो सूचना का अधिकार है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 से मिलता है, उसको कार्यान्वित करने के लिए एक व्यावहारिक प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, एक प्रोसीजर बनाना कि नागरिक सूचना कैसे लेगा, फिर जो लोक प्राधिकरण है या सामान्य भाषा में कहें कि जो सरकारी विभाग हैं, संस्थाएं हैं, कार्यालय हैं, उनके पास जो सूचनाएं हैं वो नागरिकों की पहुंच उन तक कैसे सुनिश्चित करना, उसकी प्रक्रिया इसमें दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो लोक प्राधिकरण है उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही विकसित करना और ये दोनों कार्य करते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास करना मुख्य रूप से कुछ अधिनियम लाने के ये उद्देश्य रहे हैं। अच्छा, तो मान लीजिए कोई नागरिक अगर किसी ऑफिस से वहाँ की कोई सूचना चाहता है जी, तो प्रक्रिया क्या होती है? यदि कोई नागरिक किसी कार्यालय से या किसी विभाग से सूचना चाहता है तो उसे उस कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को एक आवेदन देना होता है। अगर नागरिक उत्तर प्रदेश का है तो वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित एक आवेदन का प्रपत्र है, जिसे प्रपत्र 2 कहते हैं जी, उस पर आवेदन कर सकता है। लेकिन ये जो आवेदन का प्रपत्र है वो नागरिक की सुविधा के लिए बनाया गया है, नागरिक चाहे तो सादे कागज पर भी आवेदन कर सकता है। अच्छा, उसके लिए छोटा सा निर्धारित शुल्क है जो 10 रूपये मात्र है। 10 रूपये। लेकिन यदि कोई व्यक्ति गरीबी की सीमा रेखा से नीचे का व्यक्ति है तो उसे वो शुल्क भी नहीं देना पड़ता है। तो वो अगर चाहे तो एक सादे कागज पर अपनी जो मांगी जाने वाली सूचना है लिख कर और सूचना अधिकारी के यहाँ दे सकता जी, है जी, जिस कार्यालय से वो सूचना चाहता है। तो जो 10 रूपए हैं ये क्या सीधे सीधे रुपए के फॉर्म में जमा किए जाएंगे या किसी और तरीके, जैसे बैंक ड्राफ्ट वगैरह उस तरीके से भी जमा? नहीं, नागरिक चाहे तो नकद दे सकता है। हाँ। इसके अलावा कुछ और विकल्प दिए गए हैं, जैसे पोस्टल ऑर्डर दे सकता है, बैंक ड्राफ्ट दे सकता है, तो या फिर नकद जमा करा के उसकी रसीद की कॉपी दे सकता है, ले सकता है जी। मान लीजिए कहीं पर कोई सूचना किसी कार्यालय को प्राप्त होती है जी, तो जन सूचना अधिकारी को कितने दिन के अंदर सूचना दे देनी चाहिए? अधिनियम में जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार सामान्य परिस्थितियों में जन सूचना अधिकारी को 30 दिन के अंदर आवेदक को सूचना उपलब्ध करा देनी चाहिए। लेकिन यदि मामला जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा है तो ये सूचना 48 घंटे के भीतर नागरिक को मिलनी चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, मान लीजिए किसी कार्यालय में कोई आरटीआई का आवेदन आया जी, लेकिन वो उस कार्यालय से संबंधित नहीं है जी, वो किसी और कार्यालय से संबंधित है जी जी, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? अधिनियम की एक धारा 6(3) है जी, उसका जो प्राविधान है वो ये कहता है कि यदि किसी अन्य कार्यालय की सूचना आपसे मांग ली गई है जिसकी विषय वस्तु आपसे संबंधित नहीं है, किसी अन्य कार्यालय से संबंधित है, तो 5 दिन के अंदर जी उस आवेदन पत्र को उस दूसरे कार्यालय को जहां से संबंधित वो सूचना है अंतरित कर दी जानी चाहिए। अच्छा जी, ये कह के नहीं लौटाई जा सकती कि भाई ये हमारे कार्यालय से संबंधित नहीं है? नहीं, अधिनियम ऐसा नहीं कहता जी। जो आवेदन करता है जी, उनको कोई सूचना प्राप्त करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आवेदक को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आवेदन पत्र की भाषा है जी, अगर वो उत्तर प्रदेश का निवासी है और उत्तर प्रदेश सरकार के किसी कार्यालय से मांग रहा है तो यहाँ की नियमावली में प्राविधान किया गया है कि जो शब्द संख्या है वो 500 शब्दों तक हो।
अच्छा। तो उसे ये प्रयास करना चाहिए कि शब्द संख्या सीमित रखे और ये भी ध्यान रखे कि वो ऐसी सूचनाएं न मांगे कि जो बहुत विस्तृत हों, जो विशाल मात्रा में हो और लोक प्राधिकरण के संसाधन उसको बनाने में, तैयार करने में और सूचना उपलब्ध कराने में गैर अनुपातिक रूप से विचलित हो जाएं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत संक्षेप में सूचनाएं मांगी जानी चाहिए। हाँ। और ऐसी सूचनाएं मांगी जानी चाहिए जो प्रासंगिक हों। ये भी देखा गया है कि अगर उत्तर प्रदेश के केंद्रीय कार्यालयों में लोग सूचना मांगते हैं तो एक पन्ने में 10 चीजें लिख देंगे जी, या 25, 30, 40 सवाल अपने दे देंगे जी, ये सारी सूचनाएं चाहिए जी, जी। तो ऐसे में क्या स्थिति बनती है? सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में ये कहा है कि अधिनियम का यह उद्देश्य नहीं है कि हमारे कार्यालयों के 75% कर्मी अपना 75% समय सूचनाओं को बनाने, तैयार करने और उनको भेजने में लगा दें। तो सुप्रीम कोर्ट की इस मंशा को ध्यान में रखना चाहिए और बहुत विशाल सूचनाएं नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे सरकारी कार्यालयों में सरकारी कर्मचारी काम करते हैं वो भी जनता का ही काम करते हैं। तो ऐसा ना हो कि सूचनाएं बनाने में इतना समय लग जाए कि वो जो उनके मूल कार्य हैं वो प्रभावित हो जाए, उनके कार्यालय की दक्षता प्रभावित हो जाए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए आवेदकों को। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, हर कार्यालय में जन सूचना अधिकारी नियुक्त रहते हैं जी, तो जन सूचना अधिकारियों को अपने कार्यों में क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो जन सूचना अधिकारियों को अधिनियम की मूलभूत जानकारी होनी चाहिए और उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो अधिनियम का उद्देश्य है वो सूचनाएं उपलब्ध कराना है। सूचनाएं न देने का बहाना ढूंढना ये अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। तो इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जन सूचना अधिकारी का प्रथम और प्रमुख दायित्व है सूचनाएं उपलब्ध कराना, सूचना न देने का बहाना ढूंढना ये जन सूचना अधिकारी का काम नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके, जो अधिनियम में कहा गया है जैसे ही आवेदन प्राप्त हो सके तो जितना जल्दी हो सके आवेदक को सूचनाएं उपलब्ध करा देनी चाहिए, परंतु किसी भी दशा में 30 दिन से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। अच्छा जी, और अगर किसी और कार्यालय की सूचना मांगी गई है, गलती से आपके पास आवेदन आ गया है, तो 5 दिन के अंदर अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत आवेदन को अंतरित या ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो सूचना के अधिकार के अंतर्गत किस तरह की सूचनाएं मांगी जा सकती है और किस तरह की सूचनाओं के लिए कोई छूट है? देखिए, अधिनियम की ये खूबसूरती है कि इसमें यह बताया गया है कि क्या नहीं दिया जा सकता। बहुत संक्षेप में कुछ एग्जेम्पशंस हैं या प्रकटन से मुक्त सूचनाएं हैं, उसके अतिरिक्त सब कुछ देना है। जैसे ऐसी सूचनाएं जिसे देने से देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरा हो जी, उसे देने से मना किया जा सकता है, या न्यायालय ने स्पष्ट रूप से मना किया हो ये सूचना नहीं देनी है। हाँ, ये एक बात का ध्यान रखना होगा कि वाद विचाराधीन है, इस आधार पर सूचना देने से मना नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर न्यायालय ने खुद मना किया है या उसे देने से न्यायालय की अवमानना होती हो जी, उसे मना किया जा सकता है। विदेशी सरकार से अगर कोई सूचना विश्वास के अधीन प्राप्त हुई है उसे मना किया जा सकता है। अगर किसी सूचना को देने से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होने की संभावना हो उसे देने से मना किया जा सकता है। और वैश्वासिक संबंधों के आधार पर कोई सूचना है और या फिर ऐसी सूचना जिसे देने से कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट या किसी थर्ड पार्टी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को खतरा हो उसे देने से मना किया जा सकता है। कैबिनेट पेपर्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मंत्रियों और सचिवों के बीच का विचार विमर्श सम्मिलित है उसे देने से मना किया जा सकता है। हाँ, जो कैबिनेट का निर्णय है उसे बता दिया जाएगा और जिस सामग्री के आधार पर निर्णय हुआ है वो बता दिया जाएगा। अच्छा, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा है जी, और अगर वो सूचना देते हैं प्रोसेस बाधित हो सकता है तो उसे मना किया जा सकता है। निजी प्रकार की सूचना है जिसका किसी लोक क्रिया से कोई संबंध नहीं है और जो किसी की निजता में अवांछनीय हस्तक्षेप है उसे भी देने से मना किया जा सकता है। तो इसमें इन बातों का ध्यान रखा जाए जी। मान लीजिए आवेदक जी, जो उसको सूचना दी गई किसी कार्यालय से, उससे वो संतुष्ट नहीं हुआ, तो अगला कदम क्या होता है? देखिए, यदि आवेदक जिसे जो उसे सूचना मिली है उससे असंतुष्ट है, उसे लगता है कि सूचना भ्रामक है, अधूरी है,
या गलत है जी, या सूचना दी ही नहीं गई। हाँ। अगर किसी भी कारण से वो असंतुष्ट है तो वो जब सूचना मिली है जी उसके अगले 30 दिन के भीतर जी, और अगर सूचना नहीं मिली और आवेदन दिए हुए 30 दिन बीत गए हाँ, तो उसके 30 दिन के भीतर हाँ, जो विभाग के स्तर पर प्रथम अपीली प्राधिकारी हैं हाँ, उनके समक्ष अपनी प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा जी, और अगर प्रथम अपीली प्राधिकारी के स्तर पर भी वो संतुष्ट न हुए, ये अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि जो प्रथम अपीली प्राधिकारी हैं अर्थात जो विभागीय स्तर पर अधिकारी हैं जी, और उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वो 30 दिन में अपील का निस्तारण प्रत्येक दशा में कर देंगे जी। विशेष परिस्थितियों में 15 दिन और लिए जा सकते हैं, अगर वो विशेष परिस्थितियों में और 15 दिन लेते हैं तो विलम्ब के कारणों का स्पष्ट उल्लेख अपने सीकिंग ऑर्डर में उन्हें करना चाहिए जी। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर आवेदक उसके अगले 90 दिन के भीतर जी सूचना आयोग वहां जा सकते हैं, सेकंड अपील कर सकते हैं, द्वितीय अपील। तो जो प्रथम अपीली अधिकारी हैं उनके लिए ऐसी क्या चीजें रहती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं अपील निर्धारण में, जिन बातों का वो ध्यान रखें? देखिए, ये जो प्रथम अपीली प्राधिकारी हैं उनका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। तो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अपीली प्राधिकारी हैं उन्हें अपील निस्तारण के समय स्पीकिंग ऑर्डर करना चाहिए जी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि उनके स्तर पर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया हो रही है जी, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए जी, और उचित होगा कि वो आवेदक को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दें। अच्छा, अवसर देना बाध्य नहीं करना है जी। आवेदक यदि चाहे तो वह अनुपस्थित रहने का विकल्प ले सकता है, आवेदक आए या अनुपस्थित रहे, परंतु अपील का निस्तारण जो है वो सही ढंग से होना चाहिए, एक फेयर मैनर में होना चाहिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारे अपीली प्राधिकारी हैं उन्हें हमेशा स्पीकिंग ऑर्डर करना चाहिए। मैंने देखा है कि अपीली प्राधिकारी अक्सर स्पीकिंग ऑर्डर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से मामले सेकंड अपील में आयोग में चले जाते हैं, तो वो स्पीकिंग ऑर्डर उन्हें करना चाहिए। ये जो आप बता रहे हैं स्पीकिंग ऑर्डर के बारे में, लेकिन स्पीकिंग ऑर्डर से आपका क्या तात्पर्य? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि स्पीकिंग ऑर्डर, देखिए स्पीकिंग ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं आख्यापक आदेश, कहीं कहीं कहते हैं सकारण आदेश या कारण बताते हुए आदेश, तो या स्पीकिंग का हिंदी में आप कह सकते हैं बोलता हुआ आदेश जी, अर्थात वो अपने बारे में सब कुछ बोलता जी। तो अगर हम सूचना के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में कहें जी, तो इसको 3 भागों में करना चाहिए। पहले भाग में तो लिखना चाहिए कि इसका उसके डिटेल्स क्या थे, इसका विस्तृत विवरण, आवेदक ने क्या मांगा था, इश्यू क्या थे, वो लिखना चाहिए। और उसके दूसरे भाग में जो उसकी कानूनी व्याख्या कि जन सूचना अधिकारी ने अगर सही किया तो कानूनी रूप से कैसे सही किया, और गलत किया तो कानूनी रूप से क्या गलत किया, इसकी व्याख्या विश्लेषण होना चाहिए। और अंतिम हिस्से में एक सुस्पष्ट आदेश होना चाहिए कि जन सूचना अधिकारी से अब क्या अपेक्षित है, तो 3 पार्ट में स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो राजेश जी, आज आपसे इतनी जानकारी मिली, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कानून की बात में सूचना का अधिकार, राजेश मैकानी से, और इनसे भेंट कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।